हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय केयर अबाउट माय माइंड बेबी। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ। इस मंथ में कई सारे ऐसे काम हैं मेरे जो कि मुझे करने पड़ते हैं, जैसे मेरे बच्चों का बर्थडे पड़ता है, मेरी एनिवर्सरी पड़ती है, तो इसलिए मैं इनमें बिज़ी हो गई और मुझे वीडियो डालने का टाइम नहीं मिला, उसके लिए सॉरी। अब आज मैं आपसे बात करने आई हूँ कि सर्दियों के मौसम में तो आमतौर पे सबको सर्दी खांसी जुकाम होता ही है, पर गर्मियों के मौसम में भी हमारे बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम की शिकायत हो जाती है, तो इसे हम कैसे निपटें? देखिए, सर्दियों में तो बहुत सारे उपाय हैं कि गर्म पानी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, दवाइयाँ दे दो, लेकिन मेडिसिन से भी हमारे बच्चों को बचानी है क्योंकि दवाइयाँ गर्म होती हैं और उन्हें खिलाने से हमें अपने बच्चों को बचाना है। तो हम घरेलू कौन से नुस्खे से अपने बच्चों को इस चीज़ से बचा सकते हैं? तो आइए हम बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारे बच्चे गर्मियों में होने वाले सर्दी जुकाम से बच सके। उसके पहले, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियो को शेयर करिए ताकि हर उस पेरेंट्स तक पहुँचे जिसे इसकी ज़रूरत है। मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि हर किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, अगर आपका बच्चा 6 मंथ से कम का है तो आपको उस पर कुछ नहीं आजमाना है, उस पर कुछ भी नहीं आजमाना है, आपको सब कुछ अपने ऊपर आजमाना है। मतलब आपको गर्म पानी पीना है, आपको डायरेक्ट कूलर या एसी की हवा में नहीं लेटना है, आपको कुछ ठंडी चीज़ नहीं खानी है, जैसे सर्दी गर्मी बहुत पड़ रही है तो कोल्ड ड्रिंक पी लिया, आइसक्रीम खा लिया, जी नहीं। आपका बेबी 6 मंथ से कम का है और आप उसे फीड करा रहे हैं तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कि आपके बेबी को नुकसान पहुंचे। ये जब आप ठंडी चीज़ें लेंगे और आप अपने बेबी को फीड कराएंगे तो वो सक करेगा जब आपका मिल्क, तो उसके ज़रिए वो बच्चे तक पहुंचेगा और बच्चे की छाती में जकड़न हो जाएगी जिससे कि उसे सांस लेने में दिक्कत होगी और वो परेशान होगा। सेकेंड थिंग, आप ये मत सोचिए कि आपने नहाया, बाल धो के, ये बच्चा रो रहा है तो आपने उसे फीड करा दिया, ऐसा भी नहीं है। आप बाल धो के आने के बाद तुरंत फीड नहीं कराएंगे। अगर आपको कराना है, ज़रूरत है, तो आप क्या करें, गुनगुना पानी करके एक गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए, उसके बाद अपने बेबी को फीड कराइए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपके बॉडी का टेम्परेचर जो था वो नॉर्मल हो गया आपके पानी पीने से, गुनगुना पानी पीने से, तो आपके बेबी को वो नुकसान नहीं करेगा। एंड नेक्स्ट थिंग जो है वो ये है कि आपका बच्चा अगर 6 मंथ से ऊपर है तो उसे आप गर्म पानी दे सकते हैं और थोड़ा अजवाइन और लौंग गर्म पानी में उबाल के खौला के इसको छान के वो पानी भी अपने बच्चे को पिला सकते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा सा गुड़ जरूर डाल दीजिए, वो फ़ायदा भी करेगा और आपके बच्चे को वो टेस्ट भी उसका अच्छा लगेगा, तो वो उसे पी लेगा आराम से। और जो आप कर सकते हैं वो ये है कि अपने बच्चे को डायरेक्ट कूलर और एसी की हवा में ना सुलाएं, क्योंकि उससे क्या होता है, जैसे आपके बच्चे को कितना भी आप ढक के रखेंगे, सिक्योर करेंगे, लेकिन आपके बच्चे के नाक से हवा अंदर जाती है तो जिसके कारण उसे दिक्कत हो सकती है, तो आपको डायरेक्ट कूलर और एसी हवा में अपने बच्चे को नहीं सुलाना है। हाँ, गर्मी हो रही है, आप कूलर एसी चला रहे हैं तो पहले आप सोइए, उसके बाद अपने बेबी को सुलाइए, या आपके हस्बैंड सोते हैं फिर आप सोइए फिर अपने बेबी को सुलाइए, डायरेक्ट कूलर एसी की हवा में बिल्कुल मत लेटिए। और जो आप कर सकते हैं, एक रामबाण उपाय है जो कि मैंने अपने बच्चों पे बहुत ही आजमाया है, कई बार आजमा चुकी हूँ, वो ये है कि 2 लौंग, ज़्यादा नहीं, 2 लौंग और थोड़ी सी अजवाइन, इसको आप तवे पे रोस्ट कर लीजिए, ड्राई रोस्ट, ऐसा कि जलने ना पाए, ड्राई रोस्ट करके और उसे थोड़ा सा पीस लीजिए, पीसने के बाद उसको एक कॉटन के कपड़े में लपेट लीजिए और दूध में, माँ का दूध, अगर आप फीड करा रही हैं अपने बच्चों को, 6 महीने से कम के बच्चे को भी किया जा सकता है, मैंने खुद किया है, तो अगर आप फीड करा रही हैं तो उस दूध में डिप करके, वो दूध अपना दूध चम्मच में ले लीजिए और उसमें डिप करके उसको निचोड़ लीजिए, वो लौंग और अजवाइन वो निचोड़ लीजिए, उसका अर्क जब आपके बच्चे को मिलेगा
फिर वो अपने बच्चे को पिलाइए, उसका जब आपके बच्चे को मिलेगा समझिए इमीडिएट इफेक्ट इसका दिखता है। इमीडिएट इफेक्ट मतलब बहुत ही तेज़ी से आराम करता है ये चीज़। हाँ, ये नहीं है कि आपने जितना पीसा है जितना वो सारा पिला दें एक बार, नहीं, एक चुटकी सिर्फ, आपको एक चुटकी लेना और एक चम्मच दूध में उसको डिप करके निचोड़ के और अपने बच्चे को पिलाइए। ये दिन में 2 से 3 बार करिए, आप देखिए 2 दिन में आपके बच्चे की जकड़न, सर्दी, खांसी, जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। मैंने अपनी बहन की बेटी से लेकर अपने बच्चों पे भी ये चीज़ ट्राई किया है और इसका समझिए आप ये रामबाण नुस्खा है। या आप 1 साल से बड़े बच्चे को भी दे सकते हैं, 6 महीने से छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये मदर मिल्क में देना है तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बस ये है कि गर्मी के दिन है तो आप ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल मत दीजिएगा इसको, ख़ास ख्याल रखिए इस बात का। दूसरा चीज़ जो है वो ये कि अपने बच्चे को आप नहला के डायरेक्ट कूलर या एसी या पंखे की हवा में ना लाएं, पंखे की हवा में भी ना लाएं, इससे आपके बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाएगा जिससे कि फिर आपके बेबी को प्रॉब्लम होगी। और आपका बेबी जैसे नहा के आया तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी डाउन रहेगा क्योंकि वो नहा के आया है। जब हम भी नहा के आते हैं तो हमें गर्मी नहीं लगती उतनी, पंखे के नीचे हमें अच्छा लगता है, तो आपके बेबी के बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन रहेगा। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आपको डायरेक्ट कूलर या पंखे एसी की हवा में नहीं लाना है, थोड़ी देर बीतने के बाद आप अपने बेबी को कूलर या पंखे की हवा में ला सकते हैं। और जो आपको अगली चीज़ करनी है वो क्या करनी है, वो आपको ये करना है कि आप अगर आपका बेबी 1 साल से ऊपर का या 2 साल से ऊपर का है तो आप थोड़े से अदरक को घिस के उसको सरसों के तेल में भून लीजिए। भूनने के बाद उसमें गुड़ डाल दीजिए। गुड़ डाल के वो जो पेस्ट हलवा उसका बनेगा ना, वो अपने बच्चे को आप दिन भर में थोड़ा थोड़ा कैंडी की तरह दे सकते हैं, वो खा लेगा और उसको नुकसान भी नहीं करेगा और उससे अंदर से आराम भी होगा। और जो एक नुस्खा है हल्दी दूध, ये तो सभी को पता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप सिर्फ दिन में 1 बार उसको हल्दी दूध भी दे सकते हैं, जो आपके बच्चे को फ़ायदा करेगा, जिसकी वजह से आपके बच्चे के सर्दी खांसी में आराम मिलेगा। और आपको अगर आराम होता है तो आप मुझे कमेंट में करिए, कहिए, बताइए, और ये भी बताइए कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, कौन से सिटी से, कौन से शहर से, कौन से। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल माई केयर अबाउट माई माइंड बेबी। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।